अस्सलाम वालेकुम, एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मोइन खान एकेडमी में जैस टेबल प्रीमियर लीग जारी है और 110 स्पोर्ट्स और जेड स्पोर्ट्स के दरमियान अभी मैच खेला जाना है। मैच थोड़ी देर पहले टॉस मुकम्मल हुआ, जेड स्पोर्ट्स की टीम ने जो है वो टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। एक के बाद एक जेड स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। मैच नंबर 17, दोनों अंपायर तैयार। ऑफिशियल विकेट बॉलर आ रहे हैं, ओवर द विकेट इनफैक्ट लेफ्ट आर्म बॉलर, बॉल नंबर 1 ऑफ द ब्रांड न्यू मैच। पीछे गिरी हुई गेंद, खराब बॉल, वाइड होती लेकिन इसको चेस करने गए और लिफ्ट कर दिया इसको, फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। छक्के के साथ आगाज किया ताहिर पिंडी ने, ही इज ऑफ द मार्क। जेड स्पोर्ट्स इस मैच में सीरियस है। खराब गेंद था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके रन रेट को बेहतर करना चाह रहे हैं। ये लीजिए एक और खराब गेंद, लेकिन इस बार एक दो तीन चार बार ट्राई की है लेकिन कैच पकड़ने में कामयाब रहे। प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, खराब बॉल थी, पीछे गिरा अगेन, फ्लैट शॉट, बिल्कुल भी हाइट हासिल करने में नाकाम रहे और फील्डर ने 3 4 5 6 और उनका इरादा। फिर वही बॉल है, फिर नहीं फायदा उठा पाए, फील्डर दूर थे लेकिन गेंद उनके पहुंचने से पहले बाउंड्री लाइन को बूर कर जाएगी। सुपर बॉल था इसलिए 8 रन मिलेंगे। बाकी जो टीम है इस बार 1 से 6 गिनती कीजिए, डीप स्क्वायर लेके ऊपर से फील्डर मौजूद लेकिन उसकी कति परवाह नहीं, खूबसूरत चोट यहां पर 6 रन के लिए। फील्डर जो थे वो कैच के लिए गए थे। हवा में गेंद, लीडिंग एज, कौन जाएगा कैच के पीछे, मुश्किल हो सकता है और अच्छी कोशिश के बावजूद कैच मुकम्मल नहीं हो सका, विकेट कीपर खुद गए। एक छक्का अब तक इस ओवर में आया है, ये लीजिए क्या ये एक और छक्का है, जी नहीं, नसरुल्लाह रांझा बॉडी लैंग्वेज मुतासिर को नहीं, यहाँ पर नसरुल्लाह इनिंग्स को मुकम्मल करने में सलमान ने फिर ओवर नंबर 2। पीछे गिरी हुई गेंद, कोई पेस नहीं, बहुत ही पीछे गिरी हुई गेंद और बड़े आराम से उसको पहुंचा दिया बॉक्स ऑफिस की छत पे की तरफ, ये बॉल गई और पड़ा रही है 6 रन के लिए। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर डीप लॉन्ग ऑन के मौजूद लेकिन उसकी कति परवाह नहीं, उमर भाई को 12 रन हासिल किए इस गेंद पर। ओवर में ओवर द विकेट आए, एक और 6 मिलेगा, बिल्कुल 3 sixes इन अ रो और कैश लेने में कामयाब हुए और 2000 रुपए के हकदार, बड़े आराम से कैश मुकम्मल किया। 3 छक्के आ चुके हैं और मजीद मुश्किलात बॉलिंग साइड के लिए। जेड स्पोर्ट्स रन्स मिलेंगे 6 की सूरत में, पीछे गिरी हुई गेंद, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम उमर शेखपुरा। ये गेंद भी पहुंचेगी 6 रन के लिए, जी हां, इस बार भी 1 से 6 गिनती कीजिए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से टॉस मुकम्मल करेंगे। 11 बॉलों पर आउट हो सकते हैं और ये आउट हो गए, 50 मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, शायद ये फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी होती लेकिन उमर शेखपुरा इतने खुशकिस्मत नहीं और सलमान विकेट ले बैठे लेकिन काफी हद तक डैमेज कर दिया। आउट हो गए थे बंटू भाई, कभी कभी बॉलिंग करते हैं। वाह बंटू भाई, अच्छा बोले में भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये लीजिए सीएसना में एक विकेट आएगा, फाना छोटा ने ये कैच लिया, दूसरा विकेट बंटू भाई की जानिब से। जीते जैश की तरफ से बहुत सारे इनामात हैं, बड़े शॉट के लिए गए हसन शाहिद, टेप बॉल में एक जाना माना नाम, पहली बॉल को पहुंचा दिया इसको बाउंड्री होल्डिंग से बाहर 6 रन के लिए। इस बार गेंद पहुंचेगी 4 रन के लिए, फाना छोटा है, फाना गोली के नाम से इनको याद किया। बड़े शॉट के लिए गए और 6 रन मिलेंगे यकीनन, हसन शाहिद मिडिल ऑफ द बैट से बॉल को पहुंचा दिया और आज कुछ कर नहीं पाए, अभी तक एक ही बॉल खेली है उन्होंने। बड़े शॉट के लिए गए, इस दफा बड़ा उम्दा कनेक्शन हासिल किया, ओवर लॉन्ग ऑफ और मैक्सिमम, बहुत ही आला शॉट, ओवर पिच गेंद, विट मिली इसका फायदा उठाते हुए, यह कोई खास पेस नहीं है। बड़े शॉट के लिए गए, मिस टाइम शॉट है, आउट होना चाहिए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच मुकम्मल किया और इस तरह उमर गुज्जर को अब वापस जाना होगा। छोटा फना
की लेंथ बॉल, लेकिन मिस टाइम शॉट के नतीजे में वो आउट और इस आसान कैच लॉन्ग ऑन पोजीशन पर। काफी देर गेंद हवा में रही, उमरी स्मैश किया डाउन द ग्राउंड, पहली बॉल जुरेद ने फेस की और पहुंचा दिया बाउंड्री होल्डिंग से बाहर, बहुत ही अच्छा शॉट। बॉल थोड़ी अब छक्के के साथ फिनिश करना चाहेंगे, स्मैश कर दिया इस दफा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, छह रन मिलने चाहिए और छह रन मिलेंगे, फ्लैट छक्का इस दफा, बैक टू बैक मैक्सिमम और बड़ा स्ट्रॉन्गली फिनिश किया है 110 स्पोर्ट्स ने। 114 रन बोर्ड पे लगाए, पांच बना और सरा 114 रन स्पोर्ट्स ने। ऊंचा शॉट और गेंद गई बाउंड्री से बाहर, यही चाहिए जेड स्पोर्ट्स को। जी हां, बेहतरीन शॉट किया था इसालिया, कल काफी खिलाड़ी उनके कह रहे थे उनको। इस मरतबा गेंद को जोरदार अंदाज में खेलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, सिर्फ एक रन, बहुत अच्छा ओवर इख्तिताम को पहुंचा। दूसरा ओवर एक ओवर इख्तिताम पर 12 रन आए हैं और चंदू चिश्तियां सामना करेंगे। इस बार ऑन साइड की जानब खेला, फील्डर यहां पे मौजूद, फंबल हुआ है, 4 रन मिलेंगे और सीधा बिल्कुल बॉल था, शोएब बुजदार नहीं पकड़ पाए। शॉर्ट बॉल और उसको पहुंचा दिया है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रन और एक तमाशाई ने कैच भी ले लिया तो 2000 रुपए के हकदार हो गए ये। जी हाँ, 2000 रुपए। ऊंचा शॉट और गेंद बाउंड्री से कई गज बाहर, बहुत खूबसूरत शॉट, 6 रन। वंस अगेन इस बार बेहतरीन शॉट देखना होगा, शोएब बुजदार ने कोई गलती नहीं की, बड़ा ब्रेक थ्रू चंदू चिश्तिया की, विकेट यहां पे ले लिए करेंगे जुनेद का। फिर गेंद ब्लॉक होल में लेकिन उसको पहुंचा दिया है बाउंड्री से बाहर, बहुत खूबसूरती के साथ। जी हां, बड़ी जबरदस्त, एक और बेहतरीन कनेक्शन इस बार ओवर द मिड विकेट, एक ह्यूज सिक्स देखने को मिला शाहरजा की जानिब से। चाहिए 16 बॉल्स हैं इस बार, अच्छा बॉल और आउट हो गए हैं जी। बेहतरीन वापसी उस्ताद शाहजान अमीर जट की जानिब से, और उस्ताद शाहजान की जानिब से इस बार अच्छा शॉट, वेट करके खेला, उस्तादों को उस्ताद पड़ गया है। वाह जी वाह, क्या शॉट था, बल्ले क्या था इन बल्लों में, उस पर भी चल के बात करेंगे। एक और शॉट और इन्होंने बता दिया कि क्या खास बात है, गेंद को इतना दूर पहुंचा दिया। जी हाँ, बंटू भाई इस बार बेहतरीन, सहराम काका 12 बॉल 58 रन चाहिए इस बार, अच्छा शॉट, बेहतरीन कनेक्शन। मैंने आपको कहा था फ्लिक मास्टर कहा जाता है और ये वही फ्लिक है जिसका इंतजार किया जा रहा था। रन्स मजीद चाहिए, बंटू भाई सामना करेंगे सहराम काका, इस बार बेहतरीन शॉट, वेट करके खेला, आउट ऑफ द पार्क। जी हाँ, एक ह्यूज सिक्स देखने को मिला आसिफ, और 43 रन चाहिए थे। अच्छा शॉट, फुल लेंथ बॉल किया था लेकिन कमाल छक्का देखने को मिला यहां पे बंटू भाई की जानिब से, सुपर बॉल को अवेल कर लिया है, 12 रन जाएंगे निशान से। बंटू भाई सामने, एक और बेहतरीन शॉट, एक और कमाल का छक्का देखने को मिला बंटू भाई, लास्ट मूवमेंट में मैच को दिलचस्प बनाते हुए बॉलर हैं। 6 बॉल्स हैं, 2 सुपर बॉल भी होंगे, पहला बॉल अच्छा बॉल कर गए। जी हां, लो फॉर टॉस, चांस फॉर रन आउट और यहां पे उस्ताद छोटा फाना की विकेट मिल गई है। 25 रन, 5 बॉल्स, क्या छक्का आएगा, वेट करके खेले ऑन साइड की जाने और यहां पे एक रन लिया उमर भाई शेखपुरा, बेहतरीन फील्डिंग। यहां पे एक और कुर्बानी दिलवाई बंटू भाई ने, यहां पे दूसरा रन आउट, 4 बॉल बाकी अभी, एक और करेंगे। अच्छा बॉल, बेहतरीन बॉल, ब्लॉक होल में बॉल किया था और एक ही रन मिलेगा। बंटू भाई बहुत एक्सपर्टली खेलते हैं, अगर आउट होते हैं तो 5 रन माइनस होंगे। ताहरी इस बार शॉट क्या है ऑन साइड की जाने, 4 रन यहां पे मिलेंगे, बल्कि 6 रन हैं और 12 रन आ चुके हैं पनी 3 दफा तो कम से कम मुझे याद है। आखिरी बॉल इस बार कैच हो सकते हैं, ड्रॉप कर दिया,
यू मैच का इख्तिताम, 102 रन बना सकी जेड स्पोर्ट्स, उसे शिकस्त हो गई। बहुत अच्छा मुकाबला किया, 114 रन बनाए थे इससे पहले खेलते हुए।